Hey guys, welcome back to my channel. और आज मैं लाई हूँ सरोजनी नगर मार्केट का पार्ट टू वीडियो. कल मैंने इसका पार्ट वन वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया था. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं. और वीडियो को प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा विद बेल आइकन, तभी आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे. तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या क्या मिलने वाला है. और शॉप नंबर 70 के सामने ये स्टॉल था और इस वाले स्टॉल पे ये ड्रेसेस मिल रही थी और ये दोनों ही नी लेंथ थी और इनका जो साइज था वो फुल साइज था. आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग मिल जाएंगी. और यहाँ पे कट स्लीव भी था, फुल स्लीव में भी था और सबके प्रिंट अच्छे थे और कलर डिफरेंट था बस. उसी के सामने एक और स्टॉल है और यहाँ पे विंटर का कलेक्शन था. यहाँ पे लॉन्ग जैकेट्स, जीन्स की जैकेट और स्वेटर वगैरह थे और ये सारा सामान था 70 के सामने और सबका प्राइस अलग था. और फिर उसी शॉप के नीचे 70 के ही नीचे ये शूज़ का कलेक्शन था और ये सारे शूज़ हमें वहाँ पे 350 में मिल रहे थे. और इन वाली आंटी के पास ज्वेलरी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और वो ऐसे ही अपने हाथ में लेके बेच रहे थे. और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे आपको 200 में प्लाजो और लोवर्स मिल रहे थे और इनके पास जॉगर्स भी थे. हल्का सा आगे आई हूँ मैं तो यहाँ पे 100 रुपीज़ की ये शॉर्ट्स मिल रही हैं और सारी शॉर्ट्स डिफरेंट थी, अलग अलग कलर्स में थी. और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे 80 रुपीज़ में विंटर्स के टॉप मिल रहे हैं और ये वाला स्टॉल उसकी जो शॉर्ट्स थी उसके साथ में लगा हुआ था. और ये दोनों स्टॉल शॉप नंबर 69 के सामने थे. तो अगर आपको इनमें से कुछ परचेज करना हो तो आप लोग 69 शॉप पे जा सकते हैं और उसके सामने से ले सकते हैं. और फिर मैं 69 शॉप के साथ में एक गली डाल के जो मैंने अभी दिखाई है तो मैं उसके अंदर आई हूँ तो वहाँ पे 200 में ये शरारा और प्लाजोज मिल रहे थे जिन पे गोल्डन सा वर्क हो रखा था. और अब यहाँ पे 200 में ये जीन्स मिल रही हैं और इनका फैब्रिक अच्छा था और स्ट्रेचेबल थी और इसमें कलर्स भी अच्छे अच्छे थे. शॉप नंबर 164 के नीचे ये ड्रेसेस थी और इनका फैब्रिक जॉर्जेट था और इसमें अलग अलग प्रिंट्स थे और कलर भी थे और इनका प्राइस था 200 और इनकी लेंथ थी नी लेंथ तक की तो यहाँ पे अलग अलग थे. और अब 164 के ही नीचे आपको ये 50 रुपीज़ का स्टॉल मिल जाएगा. वहाँ पे हमें 50 रुपीज़ में नाइट ड्रेसेस थी, उसमें शर्ट्स और लोवर्स थे तो आप पेयर बना सकते हैं. उसी शॉप के सामने ये जेंट्स का विंटर कलेक्शन था और ये काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे ये टी शर्ट्स टाइप में था, स्वेटर टाइप में था तो ये अच्छा लग रहा था. इसमें भी सारे साइजेस अवेलेबल थे और उनका प्राइस था 250 और उसी स्टॉल के साथ में ये प्लेन टी शर्ट्स मिल रही थी 100 रुपीज़ में. जैसे टांगीज होती है या कोई स्ट्रिप वाली ड्रेस होती है तो उसके नीचे आप इन प्लेन टी शर्ट्स को पहन सकते हैं. अब आई हूँ मैं शॉप नंबर 157 के सामने तो वहाँ पे ये विंटर्स की जो स्टॉल होती हैं वो थी 150 रुपीज़ में और इसमें भी अलग अलग कलर्स थे और यहाँ पे प्लेन भी थी, प्रिंटेड में भी थी और कई स्टॉल पे थोड़ा वर्क भी हो रखा था. थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ, 200 में ये जेंट्स के लोअर्स मिल रहे थे और इनका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सॉफ्ट था, हर तरीके का यहाँ पे था. और फ्रेंड्स आजकल फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पे शॉप्स भी काफ़ी अच्छी सेल हो रखी है. इस वाले शॉप पे साड़ी का कलेक्शन अच्छा था और वहाँ पे सेल लगी हुई थी और स्टार्टिंग प्राइस था 300 और 143 शॉप नंबर में यहाँ पे नए ड्रेसेस बहुत अच्छी थी और ये फर वाली थी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और इनका प्राइस अलग अलग था. और इसी शॉप के अंदर हमें 200 में काफ़ी सारे कुर्ते मिल रहे थे सेल में
और बाहर उसमें दुपट्टे थे, आप अपना मैचिंग बना के ले सकते हैं, और लेगिंग भी थी, प्लाजोज भी थे। 143 शॉप नंबर था वो, उसी के सामने ये जेंट्स के लिए कलेक्शन था। और यहाँ पे लोवर्स टी शर्ट्स और शॉर्ट्स थे, और यहाँ पे पजामाज भी थे, और सबका प्राइस डिफरेंट था, स्टार्टिंग था 200 से। अब 147 शॉप नंबर में यहाँ पे बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज लगे हुए थे, और उसी के बाहर 600 रुपीज़ में ये साड़ी की सेल लगी हुई थी। और यहाँ पे जयपुरी स्टाइल भी साड़ी थी जो कि हमें 300, 400, 500 में मिल रही थी। थोड़ा सा मैं आगे आई हूँ तो यहाँ पे 100 रुपीज़ में विंटर्स का कलेक्शन है। यहाँ पे जैकेट्स, स्वेटर्स अलग अलग डिज़ाइन और स्टाइल में थे। अब शॉप नंबर 155 के नीचे यहाँ पे ये क्लचेस की सेल थी, और वो साइड वाले 100 के हैं, सेंटर वाले भी 100 के, और इस तरह वाले 200 के थे, और इनका मटेरियल अच्छा था। उसके साथ में एक और स्टॉल था यहाँ पे, अब 100 रुपीज़ में मंगलसूत्र मिल रहा था, और उसके साथ में हमें इयररिंग्स भी मिल रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो यहाँ पे ये जो पिलो कवर होते हैं वो थे, 50 रुपीज़ का सेट था यहाँ पे, और उसी के साथ में ये 200 में अगेन ड्रेसेस मिल रही थी, और ये नी लेंथ थी, कट स्लीव भी था और 3/4 स्लीव भी था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे तो 150 रुपीज़ में ये हमें फुटवियर्स मिल रहे थे, इसके अंदर बैलीस भी थी और स्लीपर्स भी थी, और जो आजकल ट्रेंड्स में चल रही हैं स्लीपर्स वो भी थे, और यहाँ पे पर्स का भी कलेक्शन था और वो भी अच्छा लग रहा था। अब 50 रुपीज़ का स्टॉल आ गया है फिर दोबारा से, और विंटर्स का कलेक्शन था 250 में। यहाँ पे विंटर्स की मेल्स की जैकेट्स मिल रही थी और टी शर्ट्स मिल रही थी, और ये अच्छी लग रही थी। और फिर आती हूँ मैं यहाँ पे तो 350 रुपीज़ में प्लाजो सेट मिल रहा था, इसमें आप कोई भी कुर्ता परचेस कर सकते हो, उसके साथ में प्लाजो अपना मैच करवा के ले सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो 50 रुपीज़ में इयररिंग्स का कलेक्शन था, और ये मुझे सारे इयररिंग्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और हम लोग अपनी साड़ी के साथ में सूट्स के साथ में यहाँ पे मैच कर सकते हैं। लेडीज़ टॉप आ रही हैं, ड्रेसेस आ रही हैं 200 में, इसके अंदर ये स्ट्रिप वाली ड्रेसेस थी और क्रॉप टॉप्स भी थे, और इनके ऊपर पीछे कैप लगा हुआ था, और ये सारा 200 में था। उसी के साथ में एक और स्टॉल था, वहाँ पे जॉगर्स थे। 150 की अगेन कुर्ती स्टार्ट हो जाती है, और ये प्योरली कॉटन थी, डेली वेयर के लिए सही थी। और 100 रुपीज़ में यहाँ पे आपको जीन्स की शर्ट्स मिल रही थी, कट स्लीव में भी था और फुल स्लीव में भी था, 3/4 में भी था, जैसा भी आपको लेना हो, और लाइट शेड भी था, डार्क शेड भी था। और देखिए ये जो शर्ट्स हैं वो कितनी अच्छी लग रही हैं, और इनमें सारे साइजेस अवेलेबल थे, मीडियम, शॉर्ट और लार्ज, आपका जैसा भी साइज़ हो यहाँ से ले सकते हैं। और इसी स्टॉल में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाएंगी, सीक्वेंस वर्क वाली, और जो कि स्टार्टिंग प्राइस था 200, और यहाँ पे हर तरीके का टॉप और ड्रेस मिल रहा था, और मैक्सिमम यहाँ पे सीक्वेंस वर्क में था। और यहाँ पे ये वाला जो ड्रेस होता है जिसको शायद बीच ड्रेस बोलते हैं, वो भी अच्छा लग रहा था, और 200 में था, उस तरफ प्लाजो थे और सीक्वेंस वाले टॉप थे स्ट्रिप में और कट स्लीव में, तो बहुत अच्छा था उनका। और यहाँ पे 150 में विंटर्स के फुल लेंथ शर्ट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 150 में थे। जेंट्स की टी शर्ट की सेल थी 150 में, फुल स्लीव की और हाफ स्लीव की। और अभी इस वीडियो का पार्ट थर्ड भी आने वाला है, पार्ट थर्ड में आपको मिलेगा सारा विंटर का कलेक्शन, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसी के साथ में कॉस्ट ऑल था 150 रुपीज़ का, यहाँ पे आपको ये फौजी प्रिंट वाले लोवर्स मिल जाएंगे, ये गर्ल्स के थे।
और 200 में जीन्स, और फिर 100 रुपीज़ का सेल आ गया जो कि जीन्स की शर्ट और कादर्स के अंदर इस बार ड्रेसेस भी थी। 200 में जेंट्स के शॉर्ट्स मिल रहे थे और फैब्रिक था जीन्स। 100 रुपीज़ में विंटर्स के फर वाले लोअर्स मिल रहे थे और सबके प्रिंट बहुत अच्छे थे और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक था इनका। और यहाँ पे फिर 80 रुपीज़ वाला भी स्टॉल था, बट ये वाले 100 वाले से थोड़ा से हल्का था इनका फैब्रिक। और अभी तक आपको मैंने जो भी 3-4 स्टॉल दिखाए हैं वो सारे 44 शॉप नंबर के ऑपोजिट में थे। तो अगर आपको चाहिए हो तो आपको 44 शॉप नंबर पे आना पड़ेगा और फिर वहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे आई हूँ मैं तो 100 और 50 रुपीज़ वाली सेल, और सरोजनी नगर मार्केट में तो ज़्यादातर स्टॉल 100, 50, 150 वाले ही होते हैं। बस हमें वहाँ पे थोड़ा डीपली एक्सप्लोर करना पड़ता है और फिर हमें अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेसेस मिल जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे आई हूँ तो यहाँ पे 200 में ये आपको टॉप मिल रहे थे और इन पे आगे पर्ल का वर्क हो रखा था और यहाँ पे शर्ट्स भी थी, स्टाइलिश भी थे, तो फिर जैसे भी लेना हो। 100 रुपीज़ में जॉगर्स मिल रहे हैं और मेरा फेवरेट स्टॉल होता है हमेशा ही स्कर्ट, और ऐसी वाली स्कर्ट्स फुल फ्लेयर्ड होती हैं और काफ़ी ज़्यादा इनमें फ्लेयर्स आती हैं। और यहाँ पे ये जॉर्जेट में भी थी और कॉटन में भी थी, पार्टी वियर, नॉर्मल वियर और जैसा भी चाहिए हो। 100 रुपीज़ में जॉगर्स अगेन आ गए हैं। यहाँ पे जॉगर्स का कलेक्शन बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, मतलब ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं। और फिर यहाँ पे प्लाजो सेट स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग प्राइस था 350 से लेके 750 तक, तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। और ये हैं लॉन्ड्री बैग्स, और लॉन्ड्री बैग्स वाले भैया मुझे मिले नहीं वरना मैं ज़रूर लेती एक यहाँ से। और अभी इधर आ जाते हैं, ये सीक्वेंस टॉप थे यहाँ पे, इन पे आगे थोड़ा सा लिखा हुआ था सीक्वेंस से, और ये सारे टॉप मुझे अच्छे लगे और इनका प्राइस भी अलग अलग था सबका। 200 में आपको यहाँ पे भालू ड्रेस मिल रही थी। भालू ड्रेस का मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी फर था इनमें और सॉफ्ट बहुत थी। और थोड़ा सा मैं आगे चलूँगी तो वहाँ पे मुझे मिले थे स्लीपर्स की एक शॉप, और इनके भैया के पास में स्लीपर्स की काफ़ी अच्छी और ट्रेंडिंग वैरायटी थी और सबका प्राइस अलग अलग था। और इन भैया के पास आपको कोल्हापुरी स्लीपर्स भी मिल जाएंगी, और स्टार्टिंग प्राइस इन्होंने मुझे 300 बताया था। और फिर थोड़ा सा आगे आए हैं तो जैसे दिवाली का डेकोरेशन सामान था, और यहाँ पे फिर थोड़ी सी मैं आगे आई हूँ तो यहाँ पे ये स्टॉल था, और स्टॉल पे मुझे 50 रुपीज़ में इयररिंग्स मिल रहे थे और 100 रुपीज़ में ये नेक पीसेस मिल रहे थे, और सबका प्राइस 100 था चाहे कोई भी ले लो, और बहुत ही ब्यूटीफुल थे ये नेक पीस। और फ्रेंड्स ये सारे स्टॉल थे बाबू मार्केट के एंट्रेंस पे थोड़ा सा अंदर जाके। और फिर बस आज की वीडियो में इतना ही। और यहाँ पे 200 में जेंट्स के कुर्ते मिल रहे थे, प्योरली कॉटन थे ये और हर साइज़ अवेलेबल था। तो बस हमारी आज की शॉपिंग हो गई यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।